पे है मैं उसको। गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा बेटू। ठंडी लग गई है मेरे छोरी को, ठंडी लग रही है। हाँ नहीं नहीं खोल रही है मेरे बीतू को। हाँ दिंगलू ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओए मस्ती को क्या है छुपो छुपो में इतनी मस्ती सूझ रही है, इतनी मस्ती सूझ रही है, क्या है सुबह सुबह में तेरे? नहीं आंटी और मम्मा का पूरा दिन लियान के साथ ही निकल जाता था। मम्मी को परफेक्ट हिंदी नहीं आती बट फिर भी लियान के साथ बात करते आप देखना बहुत मजा आएगा। दादा से बात की जैसे कृष्णा बोला नहीं बोला नहीं ये कट्टी हो गई है दादा को दोनों कट्टी हो गई है। काका का बोले जैसी कृष्ण बोला जैसी कृष्ण बोला छोटा हो ने इसलिए तू छोटा है हो जाओ ने तो पसे वापस नहीं करूँगा नहीं करेगा पक्ष खींच रही है। हाँ। हाँ। नानी के घर आज नानी के घर जा रहा है तो लियान हम हो चुके हैं रेडी पे तो और ये है लियान और हम वापिस आएंगे रसना मासी की शादी के बाद। अम्मा कब से ही बोल रहे हैं कि लियान को फटाफट रेडी कर दे मुझे नीचे दे दे कि लियान के साथ में और खेल लो और मेरे साथ रह ले। बाय बाय शोर का ये शोर कौन काटे भाई हमारे हां और थोड़ी खान से बातें करो अगर और हेड़ी रियो आते ये करो सुन शाम तू बेटी गाड़ी में बैठे चुपचाप हो जाता लियो तो। अभी हम सब जा रहे हैं मंदिर लियान को दर्शन करवाने के लिए। कौन से मंदिर जा रहे हैं वो आप ब्लॉग में आके के देखिएगा वो पता चल जाएगा। तो मम्मा और नानी अभी हमारे साथ आ रहे फिर हम जाएंगे मम्मा के घर नानी और मम्मा भी रास्ते में उतर जाएंगे। तो हम आ चुके हैं मंदिर तो आप गेस करिए कि हम कौन से मंदिर आए हैं। जो भी इस मंदिर पे आया है उन्हें तो पता चल गया होगा बताना कमेंट में कौन सा मंदिर आया है। ये मंदिर को 12वीं सदी में बनाया गया है बहुत बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण है जो राजा अमृतपाल देव ने किया था और इस मंदिर का नाम देव सोमनाथ इसलिए रखा गया क्योंकि इस गांव के देव और यहाँ से निकलने वाली नदी सोम इसलिए उसके हिसाब से देव सोमनाथ नाम रखा गया। इस मंदिर को 108 खंभों पर बनाया गया है बिना किसी केमिकल और चूने को यूज़ किए हुए और ये मंदिर 3 मंजिल का बना हुआ मंदिर है और यहाँ पे बताया गया है कि ये मंदिर एक नाइट में बना हुआ मंदिर है और हर एक पत्थर पर कुछ न कुछ कला है मतलब डिज़ाइन वगैरह बनाई हुई है। Hmm?
काम थी अब लियान को रोना आ गया अब चाचू ये बापू तेरा फेवरेट गेम है ये रोने क्यों लग गया तेरे क्या पता क्या हुआ तेरे को हे बुग्गू हे बुग्गू क्या हो गया बुग्गुड़ी बोलो आज मत्ती कर दो फिर ये किधर है कौन मत्ती करेगा देख चाचू क्या बोल रहा है चाचू अब मैं नानी के घर जा रही हूँ तो मेरे को मोबाइल चाहिए दे दो आपके वाला ले जा ले ये मोबाइल बच आप इन पत्थरों को गौर से देखिए कि हर एक पत्थर पर कुछ न कुछ डिज़ाइन बना के रखे हैं और इतना सुंदर है ये पूरा मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है ये बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर यहाँ अब हम जा रहे हैं ये है पूरा देव सोमनाथ का मंदिर जो कि नेचुरल बना हुए पत्थरों से